दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अगर आपके शरीर में कोई बहुत गंभीर बीमारी है, जैसे मैं नाम से बताता, एक बीमारी आती है जिसको मूढ़ व्याध कहते हैं, इसी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको बवासीर भी कहते हैं, और सबसे खतरनाक स्वरूप में ये बीमारी आती है तो भगंदर हो जाता है। तो बवासीर, मूढ़ व्याध और भगंदर, ये तीनों बीमारी किसी के भी हैं तो उसको भोजन के बीच बीच में पानी पीने की अनुमति है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको बवासीर, मूढ़ व्याध, भगंदर, ये तीनों बीमारियां में से कोई भी एक या दो या तीनों एक साथ हैं, आयुर्वेद में ऐसे व्यक्ति को भोजन के बीच बीच में पानी पीने की सलाह दी है। अब आप देख लीजिए कि अगर इनमें से तीनों में से कोई बीमारी है तो आप बीच बीच में पानी जरूर पी सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों बीमारियां नहीं है तो गलती से भी बीच में पानी मत पीजिए, नहीं तो ये तीनों बीमारियां आएंगी। आप जानते हैं ये मूढ़ व्याध, बवासीर और भगंदर, ये तीनों शुरू होते हैं कोष्ठबद्धता से, मलबद्धता से। बहुत दिन अगर आपको पेट साफ नहीं होगा तो यही बीमारियां शुरू होंगी, बवासीर, मूढ़ व्याध और भगंदर। ज्यादा दिन जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मलबद्धता, कोष्ठबद्धता रहती है, उन्हीं को ये तीनों बीमारी आती है। और मलबद्धता होने का सबसे बड़ा कारण है पानी पीना भोजन के बाद। इसलिए अगर आपको है बवासीर, मूढ़ व्याध, भगंदर तो जरूर पी लीजिए, लेकिन नहीं है तो मत पीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।